Assalamu alaikum dear students, welcome once again. This is Dr. Hadi here. आज हम पढ़ेंगे immune system का तीसरा लेक्चर यानी second line of defense. Second line of defense में हमारे पास क्या आता है, चार चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, आपको पता होनी चाहिए. यह हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है. सेल्स, प्रोटेक्टिव प्रोटीन, इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस एंड टेम्परेचर रिस्पांस. हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे. याद रखिएगा, आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारे जिस्म को बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजन से बचाने के लिए तीन बैरियर्स हैं जो हमारी हिफाजत करेंगे. एक का नाम है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दूसरे का नाम है सेकेंड लाइन, तीसरे का नाम है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ऑलरेडी हो चुका है, हो सकता है इस वीडियो के आखिर में आपको नजर आ जाए या सजेशन बॉक्स में आपको नजर आ जाए. सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आज स्टार्ट करते हैं. सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में जैसे कि मैंने बताया था कि पहला जो है कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं जो हमारी दिफा करेंगे. अब कौन कौन से सेल्स हैं वो हम यहाँ से आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको आना पड़ेगा. सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के साथ नॉन स्पेसिफिक भी लिखा हुआ है, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है. नॉन स्पेसिफिक का मतलब ये है कि ये जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है ये किसी खास ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है. मिसाल ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बैक्टीरिया पर अटैक करता है या किसी खास किस्म, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि ये सिर्फ ई कोलाई बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं. ये नॉन स्पेसिफिक, ये किसी भी बैक्टीरिया पर अटैक कर सकता है, राइट. तो अगर ये स्पेसिफिक होता तो हम लोग यहाँ पर बताते कि किसी खास माइक्रोब के लिए ये अपना एक खास किस्म का बंदोबस्त कर लेता, तो वहाँ पर स्पेसिफिक का लफ्ज आ जाता. अब ये स्पेसिफिक नहीं है. जैसे कि मिसाल के तौर पर आपका एक सेंसिटिव एरिया है, एक इलाका है, सेंसिटिव इलाका है, वहाँ पर आप चौकीदार, एक सिक्योरिटी गार्ड को आप जो है कहते हैं कि आपने किसी को भी अंदर आने नहीं देना है, यानी बस आपने सबको जो है पकड़, जो भी आया आपने उसको पकड़ना है. तो जो चोर आते हैं वो तो पकड़ लेते हैं, साथ साथ किसी भी तरह का चोर जो आ जाए वो उसको पकड़ लेते हैं. तो ये नहीं कहते कि भाई फलाना, अगर फलाना चोर आया था तो आपने सिर्फ उसको पकड़ना है, तो नहीं, ये जो भी चोर आ जाए, कोई भी होगा, सबको उसने पकड़ना है. और कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरा जो फूड पांडा वाला हो वो आ जाए, उसको भी चोर पकड़ लेते हैं, सही है. तो ये नॉन स्पेसिफिक है, ये केस. स्पेसिफिक में जो है एक खास सब्जेक्ट के लिए जो है काम करता है. तो ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये नॉन स्पेसिफिक है. अच्छा, सेल्स यहाँ पर कौन कौन से सेल्स हैं हमारे पास? मैक्रोफेजिस, न्यूट्रोफिल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स, ये हमारे पास सेल्स हैं, ठीक है. मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स. मैक्रोफेजिस क्या करते हैं, किस तरह के सेल्स हैं? मैक्रो का मतलब है बिग, और फेज का मतलब क्या है? ईट. तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसे सेल्स होते हैं जो बाकी दूसरे जानदार को, माइक्रोब्स को खा लेते हैं, जो पैथोजेंस को खा लेते हैं, ठीक है, फेगोसाइटोज कर लेते हैं. लेट्स सपोज ये ऐसे सेल्स होते हैं जैसे अमीबा की तरह. यहाँ पर अगर कोई एंटीजन आया हुआ है, लेट्स सपोज ये कोई बैक्टीरिया है, तो ये बैक्टीरिया जैसे इसके करीब आ जाता है तो ये इस बैक्टीरिया को अपने सेल के अंदर ले आते हैं, खा लेते हैं, फेगोसाइटोज कर लेते हैं. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फेगोसाइटोज, खा लेना, ठीक है. तो ये अंदर आ जाएगा जो भी एंटीजन है. यहाँ पर कभी मैं बैक्टीरिया का लफ्ज़ यूज़ करूँगा आपकी आसानी के लिए, तो कभी हम यहाँ पर एंटीजन का लफ्ज़ भी यूज कर सकते हैं, एंटीजन भी आ जाएगा, ठीक है. ये मैक्रोफेज है. मैक्रोफेज के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो मैक्रोफेजेस होते हैं
ये मैं आपको थर्ड लाइन में भी बताऊंगा। थर्ड लाइन जब आएगा, मैक्रोफेजेस एंटीजन यानी बैक्टीरिया को मुकम्मल तौर पर जो है मार देते हैं, नहीं है उसको काट देते हैं, और फिर उसको काटने के बाद उसको अपने सरफेस पे यहाँ पर एक ख़ास किस्म का प्रोटीन ये बना लेता है, एक ख़ास किस्म का प्रोटीन बना लेता है। कौन बना लेता है? ये जो आपका मैक्रोफेज है, इस प्रोटीन का नाम है MHC, मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, MHC एक प्रोटीन का नाम है। तो ये प्रोटीन के ऊपर जो है वो जो एंटीजन इसने खाया था इसको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको शो करते हैं। लड़ सपोज अगर इसका मैं कलर चेंज कर दूँ, ये आ गया और अभी आ गया। तो इसने एंटीजन को प्रेजेंट किया, क्या किया? एंटीजन को प्रेजेंट किया, इसीलिए इसका नाम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। इसका नाम है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल APC। इससे क्या होगा कि बाकी जो दिफाई सेल्स है हमारे बॉडी में वो इसको देकर कोई रिस्पांस शो करेगा, ठीक है, इससे बहुत सारा इम्यून रिस्पांस यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए, यूँ समझे कि ये जो एंटीजन यहाँ तक आ गया, अंदर आ गया, अभी इसका काम हो गया। एंटीजन जो है इसकी अब खैर नहीं है, ये मरने की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब मैक्रोफेज इसके अलावा और ये कहाँ से आया? दरअसल हमारे ब्लड के अंदर, ये आपका ब्लड है, ब्लड के अंदर पहले से सेल्स होते हैं, बहुत सारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनका नाम है मोनोसाइट्स। इसका नाम क्या है? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट एक किस्म का वाइट ब्लड सेल्स है, आपने नाम सुना होगा लिम्फोसाइट, ठीक है। तो ये मोनोसाइट एक किस्म का वाइट ब्लड सेल है, और ये आपका ब्लड है। ब्लड से बाहर आपको क्या मिलेंगे? आपको सेल्स मिलेंगे, ठीक है, आपको सेल्स मिलेंगे। सेल्स का एक ग्रुप आपको मिलेगा, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड व्हाट? ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, इसको हम टिश्यू कहते हैं। तो ये जो आपका मोनोसाइट है, ये जो आपका मोनोसाइट है, ये जब यहाँ से ब्लड में, ब्लड से बाहर निकलेगा, आ जाएगा, तो यहाँ पर ये मोनोसाइट यहाँ पर आपके टिश्यू में बैठ जाएगा, यहाँ पर इंतज़ार करेगा, और ये लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम मतलब ये इस तरह नहीं है कि शॉर्ट टाइम के लिए, ये काफ़ी बड़े अरसे तक यहाँ पर पड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये टिश्यू जो है ना, ये कोई भी टिश्यू हो सकता है, ये आपका लंग्स हो सकते हैं, ठीक है, स्प्लीन हो सकता है, किडनी हो सकता है, तो जिस्म का कोई भी ऑर्गन हो सकता है, उसका टिश्यू हो सकता है। वहां पर जाकर ये जो मोनोसाइट है ये यहां पर आकर स्टे करेगा, लॉन्ग टाइम के स्टे करेगा, तब जाकर इस मोनोसाइट का नाम चेंज हो जाएगा मैक्रोफेज में। तो मैक्रोफेज दरअसल मोनोसाइट को कहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मोनोसाइट जब ब्लड के अंदर होगा तो मोनोसाइट है, जब ये बाहर आएगा तो उसका नाम क्या होगा? मैक्रोफेज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर है लॉन्ग लाइफ, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अरसे तक जो है ये रहेंगे, इट इज लॉन्ग लाइफ्ड। इसके अलावा मैक्रोफेज और क्या करते हैं? चलो, उसने ये काम तो कर लिया, एंटीजन को उसने खा लिया, ठीक है। दूसरा ये क्या करते हैं कि आपका जो मैक्रोफेज है ये एक इंटरल्यूकिन एक केमिकल भी रिलीज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये किस्म का केमिकल भी रिलीज करते हैं, और उस केमिकल का नाम है इंटरल्यूकिन। तो यहाँ से मैं लेट सपोज ये आपका मैक्रोफेजेस है, तो ये मैक्रोफेजेस कुछ केमिकल भी रिलीज कर लेते हैं, या यहाँ पर ये भी कुछ केमिकल्स रिलीज कर लेते हैं।
इन केमिकल्स का नाम क्या है जो ये रिलीज कर लेते हैं? चलो मैं आपको यहाँ पर भी बता सकता हूँ, ये जो केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स को जो ये रिलीज करते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंटरल्यूकिन वन, इंटरल्यूकिन वन, ये केमिकल का नाम है। ये जो केमिकल्स हैं कौन रिलीज करते हैं? मैक्रोफेजेस। किस वक्त? जब ये किसी एंटीजन के सामने आ जाता है, इनकाउंटर करते हैं, तो ये केमिकल रिलीज करते हैं, इसका नाम है इंटरल्यूकिन वन। ये नाम आपको याद रखना हो, क्योंकि इसका नाम, ये नाम आगे दोबारा फिर भी आ जाएगा, इंटरल्यूकिन वन इज अ केमिकल। ये इंटरल्यूकिन क्या करते हैं? ये आपके बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, ये आपके बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा, बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज कर देगा। तो ये सारा का सारा काम हो गया आपका मैक्रोफेजेस का। मैक्रोफेजेस ने एंटीजन को खा लिया और साथ साथ उसको दिखा दिया बाकी फौजी जो सेल्स हैं उनके लिए दिखा दिया, ताकि वो बाद में इसकी पिटाई कर सके, और साथ ही साथ टेम्परेचर को भी ज्यादा कर। दूसरे नंबर पर क्या है? न्यूट्रोफिल्स है। न्यूट्रोफिल्स ये क्या करते हैं? ये आपको कहाँ पर मिलेंगे? न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज में एक चीज कॉमन है। अब ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा मैं मिटाना चाहूंगा इसको मैं थोड़ा सा मिटाना चाहूंगा यहां से, क्योंकि आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, ये सारा लिख सकते हैं। अब इसको मैं पॉज कर रहा हूं, ठीक है, ये आ गया भाई। अब न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेज की तरह वो भी फेगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है, फेगोसाइटोसिस ये भी करते हैं, लेकिन एक फर्क है, ये जो लॉन्ग लाइफ है ना, ये शॉर्ट लाइफ है, ये इतना ज्यादा स्टे नहीं कर सकते हैं जितना के मैक्रोफेजेस। और ये जब भी मैक्रोफेज के लिए ज़रूरी नहीं है कि जब भी कोई एंटीजन आ जाए तो ये फिर बाद में निकल जाए, ये तो टिश्यू में पड़े रहते हैं मैक्रोफेज, जो तो पड़े रहते हैं कई अरसे तक पड़े रहते हैं, जब भी कोई एंटीजन आ जाए तो उसके लिए पहले से पड़े होंगे और उस पर अटैक करेंगे। न्यूट्रोफिल्स अक्सर क्या करते हैं? ये ड्यूरिंग इन्फेक्शन जो है ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं न्यूट्रोफिल्स। अच्छा, इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है, मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, तादाद में ज़्यादा है, मोस्ट अबंडेंट, ठीक है, बेशक बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये और क्या क्या काम करते हैं हमारे पास जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं? ये एक एंजाइम रिलीज करते हैं, उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम, ये एक एंजाइम रिलीज करते हैं। ये जो एंजाइम है लाइसोजाइम के नाम से, ये क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं बैक्टीरियल सेल को, ब्रेक कर देते हैं बैक्टीरियल सेल को, खासकर बैक्टीरियल सेल वॉल को, तो ये ब्रेकअप करेगा। जब बैक्टीरिया का सेल वॉल जब टूट जाएगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा, तो ये लाइसोजाइम से ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। इसके अलावा जरा बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हमारे पास है कि लेट सपोज मैं ये जो आपका ब्लड है इसका डायग्राम मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। इन सेल्स के अंदर एक ऐसी खासियत है, लेट्स सपोज ये ब्लड के वेसल के अंदर ये ब्लड सेल्स है, ठीक है, वेसल के अंदर खून की नालियों के सेल्स होते हैं, ठीक है, ये खून की नालियों के सेल्स होते हैं। तो हमारे पास ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं, यहाँ पर जो न्यूट्रोफिल्स हैं, ये न्यूट्रोफिल्स अगर गोल है ना, तो ये अपना शेप ऐसा चिपटा हुआ बना के ऐसा स्क्वीज करेंगे अपने आप को, इनके दरमियान में से निकाल कर और बाहर आ जाएंगे। तो ये जो सेल्स हैं ये अपने आप को ऐसे स्क्वीज करके बाहर आ जाएंगे, ये सेल्स, तो ये ब्लड से ये सेल्स अपने आप को स्क्वीज करके बाहर आ सकते हैं। यहाँ पर जब ये सेल आ जाएंगे तो लेट सपोज बाहर आ गए और यहाँ पर कुछ एंटीजन है, कोई बैक्टीरिया वगैरह है, ये क्या करते हैं? ये इन बैक्टीरिया को खा लेते हैं, ठीक है, इसको खुद खा लेते हैं, खाने के बाद ये मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, डेड डेड हो जाते हैं। कौन कौन?
ये जो आपका न्यूट्रोफिल्स है, अच्छा ये डेड वाली बात हमने मैक्रोफेज के साथ नहीं पढ़ी थी, ये न्यूट्रोफिल्स है जो मैक्रोफेज से डिफरेंट है, ये जब जरासीम के साथ लड़ रहे होते हैं, फाइट कर रहे होते हैं, तो ये खुद शहीद हो जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं। तो जब ये डेड हो जाते हैं, डेड होने के बाद इनका नाम हो जाता है पस। तो अगर एग्जाम में आपसे सवाल पूछा जाए व्हाट इज पस, जब उसका जवाब ये होगा द कलेक्शन ऑफ द डेड न्यूट्रोफिल ड्यूरिंग इन्फेक्शन इज कॉल्ड पस। हम आम अल्फाज में कहते हैं कि जख्म बन गया, हम आम अल्फाज में कहते हैं कि जख्म बन गया, यानी जख्म के अंदर अब पानी आ गया। जख्म के अंदर पहले जब भी कोई जख्म होता है उसके बाद जब वो उसके अंदर पानी आ जाता है तो वो जो पानी है वो पस की तरफ इशारा है और उसकी अजीब सी बू होती है, ये पस जो है ये जख्म को शो कर रहा है। तो ये कौन बनाता है, ये न्यूट्रोफिल्स बनाते हैं। अच्छा, ये बॉडी के अंदर 40 से लेकर 70% होता है। तो ये रहा आपका न्यूट्रोफिल्स जो सेल्स हैं, ये आपने के देख लिए, ठीक है। ये मैक्रोफेज की तरह फेगोसाइटोस करते हैं और लेकिन ये शॉर्ट लाइव है, ये खून की नालियों से स्क्वीज हो सकते हैं, मतलब कहीं पर भी जब भी इन्फेक्शन हो, आगे जाकर अगर इस ब्लड वेसल को मैं आगे लेके जाऊं, अगर यहाँ पर कोई इन्फेक्शन हो जाए, यहाँ पर अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाए, तो यहाँ पर जो सेल्स हैं ये न्यूट्रोफिल्स हैं, यहाँ पर भी स्क्वीज करके आ जाएंगे। ये कॉन्टीन्यूसली चेक कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो वहाँ पर ये शिफ्ट हो जाते हैं, ये उस इलाके की तरफ पहुँच जाते हैं, पहुँच कर वहाँ पर अपना फाइट स्टार्ट करते हैं और मोस्टली पस बनाते हैं। थर्ड जो है हमारे पास क्या है, नेचुरल किलर सेल्स। नेचुरल किलर सेल्स इन दो की तरह, इनके पास एंटीजन को मारने का कोई ऑप्शन नहीं है, ये किसी भी एंटीजन को मारते नहीं है, दे डोंट किल, ना ये एंटीजन को मारते हैं, ना ये किसी वायरस को किल करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, ये कैंसर में इसका एक बहुत बड़ा किरदार है, कैंसर या कैंसर सेल्स में इसका एक बहुत बड़ा किरदार है। जो आपका नेचुरल किलर सेल्स है, ये बॉडी के उन सेल्स को मार देते हैं, बॉडी सेल्स किल कर देते हैं, किसको, एंटीजन को नहीं, जरासीम को नहीं, बॉडी सेल्स को, आपके अपना जो जिस्म के सेल्स हैं उन सेल्स को ये किल कर देते हैं, मार देते हैं। क्यों? क्योंकि जब बॉडी के अंदर एक जिस्म का अपना सेल कभी कभी इन्फेक्ट हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बॉडी सेल्स, खासकर कौन से बॉडी सेल्स जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब जो इन्फेक्टेड हो चुका है ये वाला सेल अगर जिंदा रहेगा तो हो सकता है कि ये जख्म को आगे पहुंचाए, ऐसे सेल को मारना पड़ेगा। तो बॉडी का अपना सेल जो इन्फेक्ट हो जाए वो उसको फिर कौन किल करेगा, एक और सेल है नेचुरल किलर सेल्स, NK से नाम दिया जाता है। सो मोस्टली हमारे बॉडी के अंदर जो आम सेल्स होते हैं, नॉर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल सेल्स हैं, तो और यहाँ पर ये जो सेल्स है या बॉडी के ही सेल्स हैं, लेट सपोज, लेकिन इसको ये क्या हो गए, ये कैंसर ज़्यादा हो गए, ये सेल्स कैंसर ज़्यादा हो गए, तो आपका जो नेचुरल किलर सेल्स है वो इन सेल्स को, बॉडी के ये वाले जो कैंसर ज़्यादा सेल है, जो इन्फेक्टेड सेल है, इनको ये किल कर लेते हैं, बाकी जो आसपास के नॉर्मल सेल है उनको किल नहीं करते हैं। तो ये नेचुरल किलर सेल के पास ये एक एबिलिटी आ गई। अच्छा, इसके अलावा ये इसको किल कैसे करते हैं नेचुरल किलर सेल्स, अगर आप देखें कि ये जो लेट सपोज ये एक सेल है हमारा, ये नेचुरल किलर सेल इसके अंदर एक सुराख बना लेते हैं, क्या बनता है, सुराख बना लेते हैं, तो इसका जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या करते हैं, ये सुराख बना लेते हैं, पोर्स। जब यहां पर पोर्स बन जाएंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा, सेल के अंदर जब पोर्स बनेंगे तो लिक्विड अंदर आएगा, ठीक है, लिक्विड अंदर आ जाएगा इन पोर्स के थ्रू और ये सेल अपने आप को क्या कर देगा, बर्स्ट कर देगा। ये भी कहा जाता है कि कुछ इंजाइम आकर फिर बाद में इसको क्या कर देंगे, बर्स्ट कर देंगे, ठीक है, इसको ब्लास्ट कर देंगे पूरे सेल को। लेकिन याद रखिए कि इसकी स्टार्ट कहाँ से होती है, इन पोर से होती है, सुराख से होती है।
क्योंकि ये एक किस्म के प्रोटीन की मदद से बनाते हैं, जिसका नाम है परफोरिन, परफोरिन। परफोरिन क्या है? परफोरिन एक किस्म का प्रोटीन है जो ये बना लेते हैं। अच्छा, ये तो सेल्स तो हो गए सारे के सारे, आपको मैंने बता दिए ये आपके सेल्स हैं। तो अब आप देखिए, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपने क्या किया, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, सेल्स को आपने पढ़ लिए। अब हम लोग आगे जाते हैं प्रोटेक्टिव प्रोटीन की तरफ, फिर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की तरफ, फिर हम टेम्परेचर रिस्पॉन्स की तरफ हम जाएंगे। यहाँ तक आपको मैंने सेल बढ़ा दिया, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसी वीडियो के बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में फौरन आपको अपलोड भी कर दूंगा, बाकी ये जो तीन प्रोसेस है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया, क्योंकि ये एक चीज़ आपने नोट करनी है, सेल्स आपने देख लिए सारा का सारा, कॉपी उठाकर अपने अपनी कॉपी पर अपने अपने साथ पॉइंट्स नोट कर लीजिए एंड इंतज़ार कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।